हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को डिस्कस करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? पल्मोनरी वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है? लंग्स को। सो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है? जो ट्यूबरक्लोसिस लंग्स को अफेक्ट कर रही है। सो वैसे तो ट्यूबरक्लोसिस हमारे अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है, जैसे कि ब्रेन, बोन, किडनी या फिर एब्डोमेन। सो बहुत सारे अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है, लेकिन मेनली ये लंग्स को टारगेट करती है, इसलिए आज हम पढ़ेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। सो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को हम टीबी से डिनोट करती है, सो ट्यूबरक्लोसिस या फिर टीबी। सो इसकी डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है। सो टीबी इज अ कॉन्टेजियस डिजीज। सो कॉन्टेजियस वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है? कम्युनिकेबल। सो ये कम्युनिकेबल डिसीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती है। ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। कैसे? अगर किसी पर्सन को टीबी हुई है, सो उस पर्सन के ड्रॉपलेट में वो बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टीबी को कॉज करता है वो प्रेजेंट होता है। सो जब भी पर्सन अगर कफ करेगा या फिर बात करेगा, टॉक करेगा, सिंग करेगा या फिर स्नीज करेगा, छींक लेगा, सो उसके म्यूकस या फिर सलाइवा में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। एंड अगर कोई पर्सन क्लोज कॉन्टेक्ट में खड़ा हुआ है एंड वो पर्सन उस ड्रॉपलेट को, उस सलाइवा या फिर वो म्यूकस को इनहेल कर लेता है, तो उस पर्सन को भी वो ट्यूबरक्लोसिस, वो डिसीज हो सकती है। सो इसलिए बोला गया है कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है? एक कॉन्टेजियस डिसीज है, कम्युनिकेबल डिसीज है। नाउ ये क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इट मींस ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया से होता है। सो इन्फेक्शन कब होता है? जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है बॉडी में। सो ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन कब होता है? ये एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ये बैक्टीरिया जब हम इनहेल कर लेते हैं या फिर किसी और सोर्स के थ्रू ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो गया है, तब ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। सो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। दैट मेनली इन्वॉल्व्स द लंग्स। सो मैंने पहले बताया कि मेनली लंग्स को टारगेट करता है, वैसे और भी ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है एंड लंग्स के थ्रू भी ये अदर ऑर्गन्स में जा सकता है। देन बट मे स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स, अदर ऑर्गन्स में भी जा सकता है। कॉज्ड बाय किससे होता है? बैक्टीरिया से। एंड उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जब भी हम कोई मेडिकल नेम लिखते हैं या फिर साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हम उसको अंडरलाइन करते हैं। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का अदर नेम्स क्या है? इसको एम डॉट ट्यूबरक्लोसिस भी बोल सकते हैं या फिर ट्यूबरकल बैसिलस भी बोल सकते हैं। सो जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो लंग्स को इन्फेक्ट करती है, वो मेनली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होती है। अब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, मीन्स जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन को अफेक्ट कर चुकी है। सो इट मीन्स वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन टीबी से अफेक्टेड है, ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड है। कुछ पीपल सिम्टम शो करती हैं एंड कुछ पॉपुलेशन सिम्टम शो नहीं करती। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वो एक्टिव और लेटेंट फेज आते हैं, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। नाउ ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है, ये कौन सी शेप का होता है? रोड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, इस तरह से रोड शेप के सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड बैक्टीरिया ये होते हैं। सो जब भी पर्सन इनहेल करता है, जब लंग्स की टीबी है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, तो पर्सन क्या करेगा? इन माइकोबैक्टीरियम को किसी तरह से, उसने कोई भी सोर्स हो सकता है, उसके थ्रू उसने इनहेल कर लिया इस बैक्टीरिया को। सो ये बैक्टीरिया हमारे ट्रैकिया के थ्रू देन हमारे लंग्स में एंटर हो जाती है। सो जब ये लंग्स में एंटर होती है, सो ये हमारे ट्रैकिया से देन ब्रोंकाई में एंटर होंगी। ब्रोंकाई से स्मॉलर एयरवेज जो कि ब्रोंकियोल्स हैं उनमें एंटर हो जाएगी। देन ब्रोंकियोल से ये हमारे एल्वियोलाई में ट्रैप हो जाती हैं। सो एल्वियोलाई और एयरवेज में ये ट्रैप हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है? जब ये बैक्टीरिया हमारे एल्वियोलाई मीन्स लंग्स में एंटर हो जाता है, देन उसके बाद दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा इन इन्फेक्टेड लंग। सो इसका मतलब क्या है? मैं ये वाला पार्ट यहाँ पर शो कर देती हूँ। सो ये क्या है? ये बैक्टीरियाज हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, राइट? सो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होता है, सो सबसे पहले क्या आते हैं? मैक्रोफेजेस वहां पर प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजेस वहां पर आ जाते हैं। सो दीज आर मैक्रोफेजेस, जो कि क्या है? इम्यून सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप है। सो ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? इस बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेते हैं। इंगल्फ मतलब उसको निगल जाते हैं। सो इन मैक्रोफेजिस ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को एंगल्फ कर लिया है। एंगल्फ करने के बाद अब वो उसके साथ ट्रिगर हो गए हैं, दोनों का आपस में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है, जिसकी वजह से एक
लोकल इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो होगा। इंफ्लामेशन की वजह से यहाँ पर लोकल इंफ्लामेशन होगा, इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से वहां पर और ज्यादा इम्यून सेल्स आएंगे। सो और ज्यादा इम्यून सेल्स वहां पर प्रेजेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स जिसमें मैक्रोफेजेस भी हैं और अदर व्हाइट ब्लड सेल्स भी, जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हुई है वहां पर आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्योंकि बहुत सारे वहां पर इम्यून सेल्स प्रेजेंट है, एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलते हैं ग्रैन्युलोमा। सो वहां पर एक ग्रैन्युलोमा की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग, सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। सो सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि सेल्स वहां पर प्रेजेंट है इम्यून सेल्स, जिसकी वजह से वहां हाइपर सेंसिटिविटी होगी, एक लोकल रिस्पॉन्स शो होगा जिसकी वजह से वहां इंफ्लामेशन हो जाएगी। सो इंफ्लामेशन कई बार इतनी सीवियर हो जाती है कि वहां पर क्या हो जाता है, फाइब्रो कैविटी और डिस्ट्रक्शन हो जाता है लंग में। नाउ ये जो मैक्रोफेजेस हैं, इन्होंने एंगल्फ कर लिया है बैक्टीरिया को। अब ये बैक्टीरिया वहां पर बहुत टाइम के लिए प्रेजेंट रह सकते हैं मैक्रोफेजेस में, क्योंकि ये मैक्रोफेजेस कंप्लीटली उसको किल नहीं कर पा रहे, कुछ किल हो गए हैं कुछ नहीं हो पा रहे। सो जब भी पर्सन लाइक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा, पर्सन की इम्यूनिटी वीक होगी किसी रीजन से, सो ये बैक्टीरिया दोबारा से एक्टिव हो सकते हैं एंड पर्सन को एक्टिव सिम्टम शो कर सकते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर बताया कि जो मैक्रोफेजेस है वो इन्फ्लामेशन शो करते हैं, वहां पर जो इम्यून सेल्स आ गए हैं, ये जो ग्रैन्युलोमा बन गया है, ये क्या शो करेगा, वहां पर इन्फ्लामेशन शो करेगा। एंड समटाइम्स ये इन्फ्लामेशन इतनी सीवियर हो जाती है कि वहां पर कैविटीज बन जाती हैं। सो ये जो रेड कलर से मैंने दिखाई है, ये लंग्स में क्या बन गई है, कैविटीज बन गई हैं, होल्स बन गए हैं, फाइब्रो कैविटी, और लंग्स में डिस्ट्रक्शन हो गई है। सो सीवियर केसेस में लंग्स में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से फाइब्रो कैविटीज नजर आएंगी, स्मॉल होल्स या फिर डिस्ट्रक्टिव टिश्यूज नजर आएंगे, जिनको बोलते हैं कैविटीज। नाउ स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। सो ये इन्फेक्शन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस 3 स्टेजेस में हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस प्राइमरी, लेटेंट एंड एक्टिव। सो ये स्टेजेस उस पर डिपेंड करती है कि पर्सन का इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। सो जो फर्स्ट स्टेज है वो है प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। सो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस हम कब कहते हैं, जब पर्सन का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो बैक्टीरिया के साथ फाइट कर सके, या फिर थोड़े टाइम के लिए बैक्टीरिया को दबा सके, डॉर्मेंट फेस में रख सके। सो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस कब होगा, जैसे ही बैक्टीरिया की एंट्री हुई, पर्सन ने बैक्टीरिया को इनहेल कर लिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को पर्सन ने इनहेल कर लिया, बैक्टीरिया अंदर एंटर हो जाएगा लंग्स में, एल्वियोलाई या फिर ब्रोंकियोल्स में एंटर हो जाएगा, वहां पर ट्रैप हो जाएगा, एंड विद इन वन और टू वीक्स के अंदर पर्सन सिम्टम शो कर देगा। सो ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम जैसे कि सीवियर कफ, फीवर, चिल्स, म्यूकस सिक्रेट होना, या फिर ब्लड भी सिक्रेट हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, सो ये सिम्टम शो होने लग जाएंगे जैसे ही पर्सन को प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस होगा, अगर पर्सन का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। सो बैक्टीरिया अंदर एंटर होकर 1 और 2 वीक्स में सिम्टम शो कर देगा। देन नेक्स्ट जो स्टेज है वो है लेटेंट। सो लेटेंट फेज या फिर लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, बैक्टीरिया अंदर एंटर हो गया है लंग्स में, लेकिन इम्यून सिस्टम हमारा इतना वीक नहीं है, स्ट्रांग है, वो बैक्टीरिया के साथ फाइट कर सकता है। सो बैक्टीरिया अंदर लंग्स में एंटर हो गए हैं एल्वियोलाई में, तो क्या होगा, सबसे पहले कौन से व्हाइट ब्लड सेल्स आएंगे, मैक्रोफेजेस, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। सो मैक्रोफेजेस वहां पर एंटर हो जाएंगे, जहां पर लोकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हुई है वहां पर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एल्वियोलाई में सपोज एंट्री हुई है, सो मैक्रोफेजेस वहां पर आ जाएंगे और बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेंगे। सो बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लिया मैक्रोफेजेस ने, बहुत सारे इम्यून सेल्स वहां पर आ गए हैं। सो ये बैक्टीरिया क्या बहुत टाइम तक इस मैक्रोफेजेस में रह सकते हैं, अगर मैक्रोफेजेस ने कुछ बैक्टीरिया को उसने किल कर दिया, लेकिन कुछ बैक्टीरिया वहां पर एज सच प्रेजेंट है काफी सालों तक, क्योंकि ये जो मैक्रोफेजेस है वो उस बैक्टीरिया को मार नहीं सकते, बाहर नहीं निकाल पा रहे, एलिमिनेट नहीं कर पा रहे बॉडी से। सो ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, बैक्टीरिया को स्प्रेड होने से रोकेंगे, वहां पर इनको स्प्रेड होने से रोकेंगे, एंड बहुत सारे मैक्रोफेजेस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जो कि बैक्टीरिया के स्प्रेडिंग को रोकेंगे, और बैक्टीरिया यहीं पर डॉर्मेंट फेज में रहेगा। डॉर्मेंट फेज का मतलब है कि बैक्टीरिया बहुत सालों तक यहाँ पर ऐसे ही रेस्टिंग फेज में रह सकता है, जब भी अब बैक्टीरिया को मौका मिलेगा तो ये मैक्रोफेजेस से बाहर निकल जाएगा, लेकिन अब बैक्टीरिया को चांस नहीं लग रहा, तो डॉर्मेंट फेज में, रेस्टिंग फेज में बैक्टीरिया यहाँ पर पड़े हुए हैं मैक्रोफेजेस के अंदर।
सो इस फेज को बोलते हैं लेटेंट फेज। इसमें पर्सन कोई भी सिम्टम शो नहीं करता और पर्सन इस स्टेज पे लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस में बैक्टीरिया को स्प्रेड भी नहीं करता। सो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस क्या है, कम्युनिकेबल नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया स्प्रेड नहीं हो पा रहे, मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे, तो बैक्टीरिया किसी दूसरे पर्सन में भी नहीं जाएंगे, वो मैक्रोफेजेस के अंदर ही स्टिल रहेंगे, डॉर्मेंट रहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड लेटेंट फेज। लेकिन लेटेंट फेज के बाद आता है एक्टिव फेज। सो ये जो बैक्टीरिया मैक्रोफेजेस में पड़े हुए हैं, ये दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। कब? जब पर्सन का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा, पर्सन की इम्यूनिटी वीक होगी। सपोज ओल्ड एज में, बहुत ओल्ड एज में पर्सन फाइट नहीं कर पा रहा है बैक्टीरिया के साथ, उसकी इम्यूनिटी वीक है, या फिर HIV डिसीज, कैंसर, कोई भी डेबिलिटेटिंग इलनेस है जिसमें उसका इम्यून सिस्टम वीक है। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, अगर इम्यूनिटी वीक होती है और ये जो बैक्टीरिया है ये तब एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी वीक है, ये जो WBCs है, मैक्रोफेजेस है, ये वीक हो जाएंगे, उससे और फाइट नहीं कर पाएंगे। सो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, यहां से एस्केप हो जाएंगे, इस मैक्रोफेजेस से बाहर निकल जाएंगे और ज्यादा मल्टीप्लाई होंगे, और ज्यादा मल्टीप्लाई होके ये पर्सन को क्या बनाएंगे, और ज्यादा सिक। नाउ एक्टिव फेज में क्या हुआ कि बैक्टीरिया एक्टिव हो गए जब पर्सन की इम्यूनिटी वीक हुई, सो ये मैक्रोफेजेस से बाहर निकल आए और बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होने लग गए, तब पर्सन सिम्टम भी शो करेगा, टीबी के जो सिम्टम्स होते हैं वो शो करेगा और कम्युनिकेबल भी होगा। ये जो बैक्टीरिया है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तब जा सकते हैं। सो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। नाउ कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। सो फर्स्ट है कॉज। सो कॉज हमें ट्यूबरक्लोसिस का पता है क्या है, कि ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है ये ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करता है, स्पेसिफिकली पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करता है। नाउ रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? सो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो चांस बढ़ा देते हैं, बैक्टीरिया की अपॉर्चुनिटी को बढ़ा देते हैं कि वो हमारी बॉडी में एंटर हो और इन्फेक्शन कॉज करे, चाहे वो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस है, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है। तीनों का ट्रीटमेंट जरूरी है, क्योंकि चाहे वो लेटेंट है, डॉर्मेंट फेज में पड़ा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तब भी वो एक्टिव हो सकता है दोबारा। सो ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। वैसे इसका ट्रीटमेंट थोड़ा ज्यादा लंबे टाइम के लिए चलता है, 6 months to 9 months तक का इसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता तो पर्सन ये फेटाल भी हो सकती है और पर्सन की डेथ हो सकती है। सो रिस्क फैक्टर जो ट्यूबरक्लोसिस के चांस को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस ऐसा बैक्टीरिया की उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चांस मिलेगा, तो वो एंटर हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। सो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? सो फर्स्ट है क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, सो क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे को कम्युनिकेट हो सकता है, कम्युनिकेबल इन्फेक्शन है, तो अगर क्लोज कॉन्टेक्ट में है हम इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो ये इजिली ट्रांसमिट हो सकता है। देन है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। अगर इम्यूनिटी वीक है पर्सन की, सपोज उसको HIV है, एड्स है, या फिर कैंसर है, या फिर उसका ज़्यादा ओल्ड एज है, तो ये इन्फेक्शन इजिली हो सकता है। या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अगर कोई भी पर्सन ने कोई ट्रांसप्लांट करवाया है, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, स्किन ट्रांसप्लांट है, सो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, पर्सन को इम्यूनो डेफिशिएंट ड्रग, इम्यूनिटी वीक करने के लिए ड्रग्स या मेडिसिन लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो पर्सन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर दे। सो अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो वो इम्यूनो डेफिशिएंट ड्रग्स ले रहा है, तो उस केस में ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं होने के। सो अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है, सो देयर इज अ इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग ट्यूबरक्लोसिस। देन सेकेंड थर्ड है सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज जैसे अगर आप हैवीली ड्रिंकर हैं, हैवी अल्कोहल यूज करें, या फिर IV ड्रग अब्यूजर हैं, तो इंक्रीज चांस है, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या करती हैं, आपकी इम्यूनिटी को वीक बनाती हैं। सो चांस इंक्रीज हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस का। देन है प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। अगर आपको पहले से कोई डेबिलिटेटिंग इलनेस है, डेबिलिटेटिंग इलनेस मतलब जो आपको वीक बनाती है, जैसे कि डायबिटीज है, रीनल फेलियर है, या फिर और कोई ऐसी डिसीज है जो आपके डेबिलिटेटिंग बनाती है, आपको ज्यादा वीक बनाती है, तो उस केस में भी ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन है इमिग्रेशन फ्रॉम हाई प्रिवेलेंस कंट्री। जिस कंट्री में ज्यादा केसेस है, हाई प्रिवेलेंस है ट्यूबरक्लोसिस का, जैसे कि अफ्रीका या फिर लैटिन अमेरिका, अगर वहां से आप आ रहे हैं या उस कंट्री में जाते हैं, तो आपको रिस्क इंक्रीज हो जाता है। देन है लिविंग इन ओवरक्राउडेड हाउसिंग।
या फिर आपका घर बहुत ज़्यादा छोटा है, ये मोस्टली हम स्लम एरियाज में देखने को मिलता है कि घर बहुत छोटा है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं और बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, सो ओवर क्राउडेड है और सब स्टैंडर्ड लिविंग है. सो उस केस में क्या होता है, क्लोज कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है पर्सन में और ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं. देन है इनएडिक्वेट हेल्थ केयर. अगर आपको हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं मिल पा रही, आपको ट्यूबरक्लोसिस है लेकिन आप ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं प्रॉपर, वो कब होगा, अगर तो पॉवर्टी है, गरीबी है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस लो है, तो उन केसेस में आपको इनएडिक्वेट हेल्थ केयर मिल सकती है. देन है माल न्यूट्रिशन. माल नरिश्ड है या माल न्यूट्रिशन है, प्रॉपर वाइटामिन्स, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स या प्रॉपर फूड नहीं ले पा रहे हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है, तो ट्यूबरक्लोसिस आपको ईजिली कैच कर सकता है. देन है हेल्थ केयर वर्कर. सो वो हेल्थ केयर वर्कर जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं उन प्रोसीजर्स में, जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी लंग्स से रिलेटेड है, कफिंग प्रोसीजर्स, सक्शनिंग प्रोसीजर्स, तो उस केसेस में हेल्थ केयर वर्कर्स को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है. हेल्थ केयर वर्कर को चांस इंक्रीज हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस का. सो वैसे तो ट्यूबरक्लोसिस हमारी मेनली लंग्स को इन्फेक्ट करती है, लेकिन लंग्स से ये दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो सकती है, जैसे कि हमारे ब्रेन, बोन, किडनी, हमारा यूट्रस और लिम्फ नोड्स, एब्डोमन. सो ये कॉमन टीबी हैं जो अदर ऑर्गन को इफेक्ट करती हैं. सो हम इसमें देखेंगे ट्रांसमिशन कि किडनी स्प्रेड, जो ट्यूबरक्लोसिस है वो स्प्रेड कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है. सो फर्स्ट है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है. सो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का क्या मतलब है कि अगर किसी पर्सन को एक्टिव टीबी है सो उसके ड्रॉपलेट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे. सो ड्रॉपलेट जैसे कि सलाइवा, अगर वो बात कर रहा है, सिंग कर रहा है, पास में कोई है, सो उसके सलाइवा में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे. स्नीज कर रहा है, छींकने से म्यूकस में उसके वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. ड्रॉपलेट्स हैं ये सलाइवा और म्यूकस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे. अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, इन ड्रॉपलेट्स में मोर देन 400 बैसिलाई प्रेजेंट होता है. अगर एक छोटा सा ड्रॉपलेट है तो उसमें बहुत सारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस प्रेजेंट हो सकते हैं. एंड ये जो ड्रॉपलेट है ये एयर में बहुत टाइम तक रह सकते हैं, सेवरल आवर्स तक ये एयर में प्रेजेंट हो सकते हैं. देन अगर कोई पर्सन उस एटमोसफियर में आता है या उस पर्सन के क्लोज कॉन्टेक्ट में आता है, अगर वो उसके साथ बात कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कि वो पर्सन भी ट्यूबरक्लोसिस को कैच कर सकता है. सो अगर पर्सन ने इनहेल कर लिया है सपोज ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो वो उसके डिस्टल एयरवेज मतलब जो ब्रोंकियोल्स हैं और जो एल्वियोलाई है वहाँ पर जाकर बैठ जाएगा, ट्रैप हो जाएगा. उसके बाद अगर तो वहाँ पर वो काफ़ी टाइम के लिए भी रह सकता है, जिसको मैंने पहले बताया था लेटेंट फेज, डॉर्मेंट फेज में वो काफ़ी टाइम तक रह सकता है. एक्टिव भी हो सकता है, जब इम्यूनिटी वीक होगी उसको चांस मिलेगा, एक्टिव हो जाएगा, या फिर एक्टिव होकर वो दूसरे ऑर्गन्स, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो दूसरे ऑर्गन्स तक भी स्प्रेड हो सकता है. सो जब दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड होता है तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस. एंड अगर वो ब्लड में चला जाता है, ब्लड में वो इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड में पूरे स्प्रेड हो जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो उसको बोलते हैं मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस या फिर डिसेमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस. नाउ साइन एंड सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. सो जब पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, सो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स एग्जिबिट करेगा. सो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लेटेंट फेज है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, उसमें पर्सन को साइन एंड सिम्टम शो नहीं होंगे, लेकिन जो उसका टेस्ट है जैसे कि स्किन टेस्ट, ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट, वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन साइन एंड सिम्टम्स वो नहीं शो करेगा. नाउ साइन एंड सिम्टम्स क्या है, जो मेन साइन एंड सिम्टम्स है, जब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होगा, लंग्स की टीबी होगी, तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स शो होंगे. सो फर्स्ट है कफ. सो सबसे मेन सिम्टम है कफ. कफ ड्राई भी हो सकती है, म्यूकस वाली भी हो सकती है, उसमें म्यूकस भी आ सकता है, म्यूकोपुरुलेंट, या फिर ब्लड भी आ सकता है कफ में. और ये कफ जो है मोर देन 3 वीक्स, 3 वीक्स से ज़्यादा की कफ होगी. सो दिस इज द फर्स्ट सिम्टम. देन है अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है, सो फीवर. फीवर मोस्टली क्या होगा, इवनिंग या फिर नाइट टाइम में देखने को मिलेगा, साथ में स्वेटिंग भी होगी, नाइट स्वेटिंग और चिल्स भी होंगे. देन है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस. सो वेट लॉस अनएक्सप्लेन्ड होगा, इतना ज़्यादा वेट लॉस होगा कि पर्सन का 1 महीने में 5 से 10 किलो वेट भी लॉस हो सकता है. देन है लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगेगी पर्सन को, फटीग, उसको थकावट फील होगी, वीकनेस फील होगी,
देन ब्रीदिंग डिफिकल्टी, लंग्स को अफेक्ट करी है, धीरे धीरे ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लग जाएगी, चेस्ट में पेन होगा, लंग्स के अराउंड फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है और जो लिम्फ नोड्स है वो एनलार्ज हो जाएंगे और टेंडर हो जाएंगे, उनको फील करने पर पता लगेगा कि ये टेंडर और एनलार्ज लिम्फ नोड्स हैं। सो ये स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में शो होते हैं। अब मैंने बताया था कि ट्यूबरक्लोसिस मेनली लंग्स को अफेक्ट करती है, लेकिन लंग्स से ये दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो सकती है ब्लड के थ्रू। सो इसको क्या बोलते हैं, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, डिसेमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। सो वो डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गन को अफेक्ट किया है ट्यूबरक्लोसिस ने। सपोज अगर लिम्फ नोड्स में ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, सो लिम्फ नोड्स क्या हो जाएंगे, स्वॉलन हो जाएंगे, उनमें स्वेलिंग हो जाएगी, एनलार्ज होंगे, पेन करेंगे। सो लिम्फ नोड्स मेनली कहाँ के, आर्मपिट्स के, ग्रोइन रीजन के, इनमें स्वेलिंग हो जाएगी। देन एब्डोमन, अगर एब्डोमन में ट्यूबरक्लोसिस हो गई है सो एब्डोमिनल पेन होगा, टमी में पेन होगा, इनडाइजेशन होगी, फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, डायरिया होगा, भूख नहीं लगेगी, सो दिस इज एब्डोमिनल टीबी। देन बोन्स, अगर बोन्स को अफेक्ट करती है टीबी सो बोन्स में स्वेलिंग रहेगी, पेन रहेगी। देन हार्ट, अगर हार्ट को अफेक्ट किया है तो हार्ट की जो लेयर्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। देन किडनीज, अगर किडनीज को अफेक्ट करेगी सो पेन होगी किडनीज वाली साइड पर, एंड यूरिनेशन करते टाइम भी पेन होगी, सो किडनीज में भी इन्फ्लामेशन कॉज होगी। अगर ब्रेन को अफेक्ट करती है टीबी सो इसमें बिहेवियर चेंजेस देखने को मिलते हैं, मेनिंजेस को मेनली मेनिंजाइटिस कॉज करती है, मेनिंजेस की इन्फ्लामेशन करती है ट्यूबरक्लोसिस ब्रेन में। सो जब मेनिंजेस की इन्फ्लामेशन होगी तो हेडेक होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, ड्रॉजीनेस, चक्कर आएंगे, कन्वर्जेंस भी हो सकते हैं और बिहेवियर में भी चेंज देखने को मिलेगा। देन स्किन, अगर स्किन को अफेक्ट करती है सो स्किन में रैशेज, लंपी रैशेज, बड़े बड़े लंप्स दिखेंगे जो कि विजिबल होंगे क्लियरली, अल्सर्स दिखेंगे स्किन में। सो ये डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गन को ट्यूबरक्लोसिस ने अफेक्ट किया है, सो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन से सिम्टम शो होंगे। नाउ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, कि जब बैक्टीरिया एंटर हो गया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस लंग्स में एंटर हो गया है, देन उसके बाद वो लंग पर क्या अफेक्ट करेगा। सो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब है किसी भी कोज के कारण अगर बैक्टीरिया एंटर हो गया है लंग्स में, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंटर हो गया है, तो क्या होगा, बैक्टीरिया हमारे ट्रैकिया के थ्रू, एयरवेज के थ्रू कहाँ पर पहुंच जाएगा, एल्वियोलाई में। सो एल्वियोलाई में वहां पर वो डिपॉजिट हो जाएगा और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारी बॉडी का लोकल इम्यून रिस्पॉन्स है, वहां का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, मेडिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है मैक्रोफेजेस वहां पर आ जाएंगे। मैक्रोफेजेस WBCs है जो कि क्या करेंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया को वहां डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब ये किलिंग होगी, ये अटैक होगा बैक्टीरिया पर, अटैक होगा एंटीबॉडीज का, वाइट ब्लड सेल्स का, तो क्या होगा कि वहाँ के जो नॉर्मल टिश्यूज है, लोकल टिश्यूज है, वो भी डिस्ट्रॉय होंगे साथ में। सो डेड बैसिलाई, अब जो वहाँ पर डेड बैसिलाई है, डेड बैक्टीरिया है और कुछ लाइव मासेस, लाइव मासेस का मतलब है जो वहाँ पर जो लोकल टिश्यूज जो है डिस्ट्रॉय हो गए हैं, वो किससे सराउंड हो जाएंगे, मैक्रोफेजेस से। सो मैक्रोफेजेस से अब कुछ बैसिलाई डेड थे, कुछ बच गए हैं, मैक्रोफेजेस ने उनको इंगल्फ कर लिया है। सो मैक्रोफेजेस ने कुछ लाइव बैक्टीरिया मैक्रोफेजेस के अंदर एज इट इज प्रेजेंट है, वो डेड नहीं हुए, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो ये एक मास नजर आएगा वहां पर जिसको बोलते हैं गोन्स ट्यूबरकल। अब क्या होगा कि नेक्रोटिक डिजेनरेशन होगी वहां पर। नेक्रोटिक डिजेनरेशन का मतलब है जबकि जो लोकल टिश्यू है वो भी डिस्ट्रॉय हुए हैं इस इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स से। सो वहां पर क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ कैविटी फील्ड विद चीज लाइक, वहां पर एक कैविटी बन जाएगी। ये जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं वो एक उन्होंने क्या किया है, कुछ बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया है एंड कुछ को उन्होंने इंगल्फ कर रखा हुआ है, वो एज इट इज प्रेजेंट है। कुछ वहां पर लोकल टिश्यू भी डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो वहां पर क्या बन जाएगी, एक कैविटी बन जाएगी, एक होल जैसा बन जाएगा, क्योंकि वहां पर नेक्रोसिस हुई है, लोकल टिश्यू डिस्ट्रॉय हुए हैं, जिसमें क्या एक चीज लाइक मटीरियल फिल होगा, एक चीज लाइक फ्लूइड लाइक मटीरियल फिल होगा। और उसमें क्या क्या है, एक तो जो लाइव ट्यूबरकल बैसिलाई है वो भी वहाँ पर प्रेजेंट है, डेड भी प्रेजेंट है, डेड WBC, कुछ WBCs अटैक में डेड हो गए हैं वो भी प्रेजेंट है, और डेड टिश्यू भी प्रेजेंट है। सो उसको क्या बोलते हैं, गोन्स ट्यूबरकल। एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि ये एक्सरे में शो होती है ये सारी फाइंडिंग्स,
कुछ बैक्टीरिया जो वहां पर लेटेंट फेज में डब्ल्यूबीसीज के अंदर मैक्रोफेजेस के अंदर प्रेजेंट है वो बाद में भी एक्टिव हो सकते हैं और क्या कर सकते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को कोज कर सकते हैं। वैसे अगर ट्यूबरकल बैसिलाई एंटर हो गया है लंग्स में सो वो ये फाइंडिंग्स एक्सरे में नजर आ जाती हैं और स्किन टेस्ट भी पॉजिटिव आता है। अगर 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं, 1 महीने से ज्यादा हो गया बैक्टीरिया को एंटर हुए हुए बॉडी में। If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment and stay tuned for the part 2 of tuberculosis. Thank you for watching.